और इंशाल्लाह आप देखेंगे कम से कम अरसे में हम लोड शेडिंग की लानत हमेशा के लिए खात्मा करेंगे। अगर आप नवाज शरीफ को अल्लाह के फजल से वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे तो मैं इंशाल्लाह दो साल में अंधेरे न खत्म कर सका तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मियां साहब, ये तो ठीक है कि 15 रुपए में बनने वाली बिजली 8 रुपए में नहीं बेची जा सकती, इसलिए आवाम को तो आपने कड़वी गोली खिला दी, मगर आवाम तो 66 साल से कड़वी गोली खा रहे हैं। लेकिन मियां साहब, कुछ कड़वी गोलियां खाने का वादा आपने भी किया था, उसका क्या हुआ आपको याद है? वो CNG माफिया जिनके बारे में आपके वजीर ने ये कहा था, अगर ये आपको गैस मिल जाए इन चोरों से जो CNG स्टेशनों के मालिक है, मैं माजर के साथ अगर यहाँ पे जो CNG स्टेशन का मालिक बैठे हुए सारे चोर हैं। वो CNG माफिया 2000 मेगावाट बिजली के बराबर गैस आज भी खा रही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आज भी 3500 मेगावाट के बराबर गैस 70% सब्सिडी पे दी जा रही है। माफिया पैसे खा रही है और अवाम कड़वी गोलियां। और वो जैंकोज और डेस्कोज जो करोड़ों की बिजली लेके हजारों की बिजली देते हैं और लाखों खा जाते हैं, इन तकसीमकार कंपनीज के CEOs को मेरिट पर लेके आना था और इनकी करप्शन खत्म करने का वादा किया था आपने। मियां साहब, क्या अब भी वही होगा कि आवाम खाएंगे कड़वी गोलियां और माफियाज अरबों रुपए बनाएंगे?